नमस्कार, तांतागढ़ कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू की चिप्स, जिसे हम व्रत में भी खा सकते हैं। आइए हम चिप्स बनाना शुरू करते हैं। चिप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ 5 किलो आलू लिए हैं। मैंने इनको अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इनका छिलका निकाल लेंगे। चिप्स के लिए हमें इस तरह का आलू चाहिए। ये चिप्स वाला आलू बोलते हैं इसको, और ये मार्च अप्रैल के महीने में ही आता है। चिप्स इसी महीने में बनते हैं, इसी महीने में अच्छे बनते हैं। अब मैं इन आलुओं को छील लूंगी, इनका छिलका उतार लूंगी। ये छिलका उतारने के बाद ये व्हाइट आलू निकलता है, ये वाला आलू चिप्सोन आलू बोलते हैं इसको। यही वाला आलू चाहिए हमें चिप्स बनाने के लिए। इस तरह से हमें आलू को छील लेना है, और छील कर हमें इसको पानी में रखना है। इस तरह से पानी में डालते जाएंगे, और इसी तरह हम ये सभी आलुओं को छील लेंगे। एक एक करके आलुओं को हम चिप्स का शेप दे देंगे। इस तरह से हम चिप्स कट कर लेंगे। इस तरह से हमें आलू को कट करना है, बहुत सावधानी से। कई बार ब्लेड से हाथ कट जाता है, बहुत बहुत सावधानी से हमें चिप्स बनानी है। ये मैंने इस तरह की चिप्स बनाई है, प्लेन वाली, इस तरह की। इसी तरह मैं ये सभी आलुओं की चिप्स बना लूंगी। ये देखिए, मैंने 2 आलू की चिप्स इस तरह से बना ली है, और अब हम इसे पानी में डाल देंगे। हम आलू की चिप्स, 1-2 आलू की चिप्स बनाते जाएंगे, और साथ के साथ पानी में डालते जाएंगे। पानी में डालना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये लाल पड़ जाएंगे। चिप्स हम और बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने सभी आलुओं को चिप्स की शेप में कट कर लिया है, ये देखिए, और इनको पानी में डाल के रखा हुआ है ताकि लाल ना पड़े। इसी तरह से मैंने सभी चिप्स को कट कर लिया है। इधर मैंने एक भगोने में पानी गर्म कर लिया है, पानी में अच्छी तरह से उबाल लगा लिया है, और हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ये चिप्स डाल देंगे। पानी में से निकालते हुए इसमें हम चिप्स डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है, और चिप्स में एक भाप लगानी है। इसी तरह एक बार ही हमें भगोने में इतनी ही चिप्स डालनी है, जितनी चिप्स इसमें आसानी से आ जाए, और ताकि ये खुली खुली रहे। हमें इस तरह से चिप्स को घुमाना है थोड़ी देर, ताकि एक दूसरे से चिपके ना, चिपकी चिपकी ना बने ये। इस तरह से इसका सारा स्टार्च निकल जाएगा। ये देखिए, ये जो ऊपर थोड़े थोड़े झाग आ रहे हैं, ये स्टार्च है, इसे साइड में निकाल देंगे। ये देखिए, 5 मिनट हमें इस तरह से चलाते हुए चिप्स को हमें निकाल लेना है। हमें किस तरह की छलनी ले लेंगे, और पानी में से इस तरह से चिप्स को निकाल लेंगे, पानी निकालते हुए, और ये छलनी में डाल देंगे, ताकि एक्स्ट्रा पानी होगा वो छलनी से निकल जाएगा बाहर। इसी तरह मैं ये सारी चिप्स निकाल दूंगी। ये देखिए, मैंने सभी चिप्स को निकाल लिया है। ये देखिए, मैंने इनमें से गर्म पानी में से सभी चिप्स को निकाल लिया है। ये हमारी उबली गर्म पानी से निकली हुई चिप्स हैं। देखिए इनका कितना कैसे कलर चेंज हो गया है, बिल्कुल सफ़ेद बन गई है। और ये हमारी अभी कट करके रखी हुई चिप्स हैं, अभी हमें इनको गर्म पानी में से निकालना है। हमें चिप्स इस तरह से चाहिए, ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो चुकी हैं, ये अभी सिंपल हैं। अब हम बाकी की चिप्स को भी इसी तरह गर्म पानी में से निकाल लेंगे। इसी तरह मैं ये बाकी बची हुई चिप्स भी इसी पानी में हम डाल देंगे। हमें इस आलू को 5 मिनट इसी तरह घुमाते रहना है, और ये स्टार्च हम ऐसे करके निकाल लेंगे चम्मच से, और इसी तरह फिर हम इन आलुओं को भी निकाल लेंगे। ये वाली छलनी में से पानी निकल गया है, और अब हम इनको इस वाली बड़े बर्तन में डाल लेते हैं। ये देखिए, इसका भी स्टार्च निकल चुका है। अब गैस हम बंद कर देंगे, और इनको भी हम इसी तरह छलनी में निकाल लेंगे। ये पानी से निकालते हुए छलनी में निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने सभी चिप्स को पानी में से निकाल लिया है। मैंने एक भगोने में नॉर्मल पानी ले लिया है। अब ये सभी चिप्स मैं इसमें डाल दूंगी, ताकि हमारी चिप्स खिली खिली बने। इसी तरह हम ये सभी चिप्स छलनी में निकाल लेंगे, और फिर हम इनको धूप में सुखाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक फोल्डिंग पर कपड़ा बिछा लिया है। अब हम ये चिप्स इस तरह से एक एक करके फैला देंगे। मैं थोड़ी दूर दूर पर इस तरह से फैला के रखना है।
ये देखिए हमने सभी चिप्स को सुखा दिया है और अब हम इसे कपड़े से ढक देंगे ताकि ये मक्खी ना बैठे और ये चिप्स गंदी ना हो। इस तरह से ढककर अब हम इसे धूप में सुखा देंगे। ये देखिए हमने चिप्सों को सुखा दिया था, अब ये चिप्स आधी सूख गई हैं, इस तरह की बन गई हैं, ये निकल जाएंगी। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा पलट देंगे, इस तरह से सभी चिप्सों को बदल देंगे दूसरी तरफ। हम इसको ढककर सुखा देंगे और मैंने इसको अपने आंगन में सुखाया हुआ है, आप देखिए मेरा गार्डन भी देख लिए। नहीं मैं किसी दिन प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगी, गार्डन की लुक और हाउस टूर कराऊँगी। ये मेरा एक छोटा सा किचन गार्डन है, बैंगन का पौधा है, इसमें छोटे छोटे बैंगन लगे हुए हैं। मैंने थोड़े से फूलों के पौधे भी लगाए हुए हैं। ये चाइनीज ऑरेंज है, इनमें छोटे छोटे चाइनीज ऑरेंज आ रहे हैं पर बहुत खट्टे हैं, इनका टेस्ट खट्टा है। मैंने अपने किचन गार्डन में थोड़ा पालक भी बहुत लगा रखा है। ये देखिए मैंने पुदीना भी लगा रखा है, अभी थोड़ा ही आया है। और ये मीठे नीम का पेड़ है जिसको कड़ी पत्ता कहते हैं। और ये देखिए मेरे चीकू का पेड़ है, इसको 5 साल हो गए लगे हुए पर एक भी चीकू अभी तक आया नहीं है। अगर आपके पास किसी के पास कोई दवाई है इसको लगा कि चीकू आ जाए, इसमें फल आ जाए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए हमने चिप्स को पलटने के बाद इकट्ठा कर दिया है और हम एक दिन और इसमें धूप लगा लेंगे। 90% तक ये सूख चुकी है, बस थोड़ी सी रही है, एक दिन और धूप लगा लेते हैं इसी तरह हम ढककर। ये देखिए मैंने धूप में सभी चिप्स को सुखा लिया है और ये अच्छी तरह से सूख चुकी हैं। ये देखिए बिल्कुल भी काली नहीं पड़ी है क्योंकि मैंने इनको ढककर सुखाया है तेज धूप में। हम इन्हें सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। अब नवरात्रि भी आ रहे हैं तो ये व्रत के लिए परफेक्ट चिप्स हैं। चलिए हम थोड़ा सा इनको तल के दिखाते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, तेल हम तेज गरम करेंगे और मैंने ये थोड़ी सी चिप्स ली हैं, अब हम इनको तल देंगे। एक डालकर देख लेते हैं। ये देखिए तेल अभी ठंडा है, हमें चिप्स तलने के लिए बहुत तेज गरम तेल चाहिए, हम अभी नहीं डालेंगे। तेल को हम थोड़ा तेज गरम करेंगे। ये देखिए तेल तेज गरम हो गया है, अब हम चिप्स को तल लेंगे। गैस को हम बंद कर देंगे और इसी तेल में ये तल जाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी चिप्स तलकर तैयार हुई हैं। आप चाहें तो इन पे नमक और मिर्च मसाला डालकर ही भी खा सकते हैं, और व्रत वैसे ये व्रत के लिए हैं ही, व्रत वाला नमक और मिर्च डालकर खा सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी चिप्स बनकर तैयार हुई हैं। अब मैं इन पे व्रत वाला नमक, ये सेंधा नमक डाल दूंगी क्योंकि मैंने ये व्रत के लिए बनाई है, और ये काली मिर्च। व्रत का नमक और काली मिर्च डालकर हम व्रत में खा सकते हैं इनको। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए हम इनको सर्व कर देते हैं। अगर आपको मेरे आलू की चिप्स की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।